पर बिठाते हैं ना, फिर बिस्तर बना देंगे बाद में। जल्दी लाओ जल्दी, वहाँ रख दो, इधर रखो, ये एक बार ये रख दो ना, 5 मिनट बिठा के बिस्तर लगा लेते हैं, बस बच्चों को सुलाया ना पहले, इसलिए बिस्तर नहीं बना रहे। आराम से आराम से आराम से, हॉस्पिटल से इस वक्त और अपने घर में ही रख के आते हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से सेहत दे दीजिए और अल्लाह ताला से अपने बच्चों को काबिल रखे, ठीक है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मेरे पास बहुत सारी कॉलें आई जिसमें सब ने रुबीना की तबीयत का पता किया और अल्हम्दुलिल्लाह खैर से अपने घर वापस आ गई है। और अभी मतलब कि बोला बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इनसे, तो इसलिए हम माजरा चाहें। 2-3 दिन लगेंगे इन्हें। हाँ, 2-1 दिन लगेंगे, अभी होश में मुकम्मल सही तरह। हाँ, क्योंकि बोलने से जो है ना पेट पे जोर भी पड़ता है ना, जिसकी वजह से खिंचाव पड़ता है बिल्कुल। तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कल हमें कॉल्स की, जिन्होंने हमें कल मैसेजेस किए, और जिस बहन भाइयों ने सब ने इनके लिए जो दुआएं की, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इन्हें जो है इतनी दुआएं दी कि अल्लाह ताला ने इन पे इतना रहम किया और ये अपने घर खैर खैरियत से वापस आ गए। तबीयत खराब होने के तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा जिन्होंने मेरे लिए दिन रात दुआ की और मसीह मुझसे ज़्यादा पा, ठीक है। अब इन्हें खाने पीने को देना कुछ, चाय भी नहीं वैसे बना रही है। अच्छा, चाय पी लेना, वैसे बिस्किट ही बताया उन्होंने साथ। चलो, वो कह रहे खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा तो खाली चाय, चलो फिर चाय दे दो चाय दे दो, ठीक है भाई।